हमारे साथ काम करते हैं मानसून काम करते हैं हाँ क्या काम करते हैं बहुत सारा काम करते हैं मानसून की पूरी टीम काम करती है अच्छा जैसे सारी चीजें जो बाहर जाती हैं अच्छा वो मानसून के तहत जाती है हमारा प्रोजेक्ट चलता है उसमें ये सारी चीजें अच्छा तो मैडम कौन कौन से काम करते हैं हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन आप हैं कौन की इतना सारा अरे मैडम हमें काम कराना है काम कराना है मतलब ऐसा क्या काम कराना है एक तो आधार कार्ड है ना और एक आधार कार्ड है और एक आपका राशन कार्ड वगैरह है तो बाकी और जो है जैसे आपका सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह है ना इस टाइप के काम करेंगे तो उसी के बारे में इसी के बारे में पेपर पेन कर दीजिए ना कौन कौन सी चीजें बनाते हैं सबसे बड़ी जो सेवा है एक यूनियन है महिला यूनियन महिला यूनियन अच्छा महिला यूनियन है जो कि विश्व में पहले स्थान पे ही ये पहली महिला यूनियन है जो कि हमारी सेवा है और जो हम 10 रुपए की सदस्यता शुल्क की पर्ची भी काटते होंगे वो इसी महिला यूनियन के तहत ही काटते हैं जो साल में सिर्फ एक बार होता है उसके बाद हम बहुत सारी सुविधाएं देते भी हैं जैसे राशन कार्ड का फॉर्म भरे बर्थ का भरे कास्ट का भरे लाडली का भरे जो भी आता है हम सीधे गवर्नमेंट से संपर्क करके उन बहनों को भी ले जाते हैं कि आप अगर हम ना हो पाए तो आप खुद एक बार जाएंगे अच्छा हम भी ले जाते हैं वो खुद भी जाते हैं ठीक है आप यहाँ से काउंटर से कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं अभी तो आपका बर्थ का कास्ट का राशन का सारी चीजें इनकी परमिशन आपने किससे ली है हमारे जो सर्टिफिकेट होंगे वो वैलिड होंगे हाँ बिल्कुल तो कहाँ से बनवाएंगे वो सीधे ऑनलाइन होगा अच्छा। जो राशन का है सीधे ऑनलाइन है जो पब्लिक तो डायरेक्ट भी करवा सकती है तो अगर आप बिल्कुल आप करवा सकते हैं लेकिन हाँ। अगर आप बाहर से करवाते हैं तो वहाँ 250-500 रुपए लगते हैं बहनों के हमारे यहाँ सिर्फ 100 रुपए की फीस में हम उसको करते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन कौन करता है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कौन फ्री ऑफ कॉस्ट करता है वो भी देख लीजिए कौन अगर आपका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट करता है तो आप जानते ही होंगे हम तो नहीं जानते हैं लेकिन प्राइवेट संस्थाएं बहुत पैसे कोई कोई बहन आती है तो कहती है हमारा 1000 रुपये चला 1200 चला गया वही बात तो हम बहुत कम पैसों में ये काम मैडम एक बात है जैसे आप एसोसिएशन ये जो एसोसिएशन है आपकी ये आपकी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेड ऑफिस है हां इसका हेड ऑफिस है पटेल नगर में आपका मतलब ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी आपका हाँ लेकिन आप राशन कार्ड बनवाते हैं तो आपका राशन कार्ड जो है वो उसके लिए परमिशन आपने ले रखी है जी बिना देखिए ऑनलाइन आप भी कर सकते हैं मैं भी कर सकती कोई भी कर सकता है ऑनलाइन देखिए अलग चीज नहीं होती है नहीं 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 कहने का मतलब ऑनलाइन आप काम करते हैं मैं बता रही हूँ आपको ऑनलाइन आप काम करते हैं जैसे जितनी प्राइवेट संस्थाएं बैठी हुई हैं साइबर कैफे वाला ऑनलाइन काम करते हैं आप देखते हैं तो वो ऑनलाइन काम अगर हम करते हैं तो हम कम पैसों में उन बहनों को वो सारी सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं नहीं ऐसा है वही चीज है आप जैसे अप्लाई करते जैसे सरकार ने आपको परमिशन दिया कि हाँ आप राशन कार्ड बनाइए क्या ऐसा कोई परमिशन है ऐसा कोई परमिशन किसी को नहीं मिलता लेकिन हमारा राशन कार्ड ऑफिस SDM ऑफिस सब जगह हम लोग जाते हैं या मजदूर कार्ड बनता है सब जगह हमारी चीजें सेवा के बारे में सब लोग जानते हैं नहीं देखिए अभी जो है हाल ही में बात है अभी हमने आपके किसी लेडी से बात किया था तो आपका नाम क्या है जी आपका नाम क्या है मेरा नाम जी मेरा नाम मैडम मेरा नाम सचिन सचिन जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं अरे मैडम क्यों क्या बात हो क्योंकि अभी फिलहाल किसी ने कहा था ये 10 रुपए की पर्ची क्यों कट रही है ये क्या है ये क्या है अच्छा 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 कोई बात नहीं आप पूछ सकते हैं ये हमारा ऑफिस है और खुद का है जी ये ऑफिस भी बैठ जाइए आप खुद का ही ये ऑफिस अच्छा अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हम 4 दिन काम किए जो ऐसे भर देंगे ऐसा कुछ नहीं कह रहे मतलब ये है कि आपने राशन कार्ड ऑफिस से कोई ले रखा है परमिशन कि हाँ भाई कार्ड बना रहे हैं आप लोग वहाँ से ओके कर दीजिएगा वहाँ से हमारा टेली यहाँ पर उससे बात करते हैं हम ऑनलाइन करते हैं बहनों को ले भी जाते हैं बिल्कुल ठीक है वहाँ भी राशन कार्ड ऑफिस के जो वहाँ एफएसओ से बात भी करते हैं जो खिड़की बहनों से बात करते हैं इन बहनों का ऑनलाइन हुआ आप अपने सिस्टम में डालिए देखिए इनका ऑनलाइन हो चुका है अभी यहाँ पर आपकी किससे बात हुई है यहाँ के एफएसओ अभी तो यहाँ से कौन है एफएसओ यहाँ पर एफएसओ कौन है एफएसओ जो वो बहन जाती होंगी उनको पता है पूछिए एक बार पता कर लीजिए सुमन बहन है
मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है अभी आ रही है। हाँ इसलिए है ना कि कम से कम जो भी आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाने के बाद सारी चीजें होने के बाद वो लोग फॉर्म भी बड़े आराम से ले रहे हैं और काम भी बड़े आराम से कर रहे हैं सारी बहनों का, क्योंकि ये आज से संस्था नहीं चल रही है। इंचार्ज कौन है आप? शायद मैं तो सिर्फ एस एस के देखती हूँ, हमारे इंचार्ज सारे पटेल नगर बैठते हैं। पटेल नगर जी। एक चीज और है, पटेल नगर में आपकी पर्ची से किसी ने नंबर दिया था मेरे को पटेल नगर बात करने के लिए कि आप उनसे बात कर लीजिए आपका बन जाएगा। मैंने ठीक है पटेल नगर वाले ना कोई नाम बता रहे हैं यहाँ का किसी का, ना वो नंबर दे पा रहे हैं किसी का, ये क्या चीज है? आज का लॉकडाउन का हाल है। मैं बताती हूँ लॉकडाउन में, आज मैं ही आपको 8-10 दिन के बाद यहाँ आई, बीच में 6-7 महीने में बिल्कुल नहीं आई, मैं नहीं आई, लेकिन मेरी जो पास के लोग हैं, मैं बहुत दूर से आती हूँ, बदरपुर की तरफ से आती हूँ, लेकिन जो मेरी बहनें यहाँ की हैं, पास की हैं, वो सारे लोग आते थे। अशोक नगर में कितनी बहनें हैं आपकी? अशोक नगर में तो 4-5 लोग हैं। अच्छा जी, तो ये आपने एक ही रेट बताया कि ठीक है अपना जो है 10 रुपए लेते हैं जी, तो 10 रुपए का इसका कोई लाइसेंस आपके पास है? पर्ची मैं बताती हूँ आपको, वो लाइसेंस ही है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम झूठ बोल के आपको 10 रुपए की पर्ची दे सकते। लेकिन ऐसा कहना है आपके राशनिंग ऑफिस वालों का कि आप उनको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसा कोई है तो उनको ऐसा कहना है या कुछ करना है वो सीधे ऑफिस आ सकते हैं। ये ऑफिस सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं या कोई भी आ सकता है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन करने की जरूरत है उनको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं आपको अच्छा। हाँ ये सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि हमने उनसे कंफर्म किया है, उन्होंने मना कर दिया है साहब कि हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास कोई कार्ड आ रहा है। आपको नहीं जानते तो हम भी आपको मना कर सकते हैं। यहाँ से सारे लोग जा रहे हैं तो उनको भी राशन कार्ड बन चुके होंगे, बहुत सारे बन चुके हैं, आज से बन रहे हैं, कब से राशन कार्ड बन रहे हैं, लॉकडाउन के बाद राशन ही कार्ड तो बनना शुरू हुआ। अब आपकी बात समझ में आई है कि आप लोग जैसे मार्केट में लोग जो है 200-300 रुपए लेके बनवाते हैं, इसी तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती है उसी तरीके से, लेकिन हमें आप में एक अंतर है मैडम, हमें आपका एक अंतर है क्योंकि आपकी एनजीओ है, आपको उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए। जो हम काम भी करते हैं अगर 100 रुपए लेते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे सर ये मैं उसी एनजीओ के पास खड़ा हुआ हूँ और यहाँ एक मैडम है वो कह रही है कि मैं जितने भी कार्ड बनवाती हूँ वो सारे मेरे एफएसओ से पास होते हैं, तो एक बार बात कर लीजिए अपने तरीके से क्या कह रही हैं। हाँ एक मिनट बात कर लीजिए। ऐसा है कि जब वो आएंगे, आ रहे हैं वो सर, आ रहे हैं जी, आप बात कर लीजिए तभी तो आएंगे, आप क्लियर कर दीजिए, आ सकते हैं। भैया आप कर क्या रहे हैं? मैसेज जरा बताएंगे हमें क्या बीबी क्यों बना? हाँ नमस्ते, अरे फॉर्म भर रहे थे ऐसे। अच्छा सर क्या हम कार्ड बना रहे हैं? हम तो फॉर्म भर रहे हैं, हम तो फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन। भैया हम डोर टू डोर राशन कार्ड थोड़े फॉर्म भर सकते हैं, हम भी तो सिस्टम से भरेंगे ना। ये जो आपको सुनिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि हम डोर टू डोर राशन कार्ड भर रहे हैं, क्या कोई डोर टू डोर राशन भर सकता है ऑनलाइन के बजाय? आप बताइए सर क्या चीजें है। मान लीजिए ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन आपके पास फॉर्म जमा होता है राशन कार्ड ऑफिस में, सारा सेवा के मेंबर्स जाते हैं, आप कभी भी पूछेंगे तो सेवा के मेंबर्स ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होंगे, अगर ये भैया ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना सर, गलत दी है। हाँ सर बोलिए, सर ऐसा जो जो आपको आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दिए वो खुद ही गलत दिया है, आप क्यों देंगे? हम तो खुद आपके यहाँ भेजते हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं सर, हमें ऑनलाइन करना है तो हम तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर के आपके यहाँ ही तो भेजेंगे ना। महिला यूनियन है और जो यूनियन है उसकी सदस्यता शुल्क 10 रुपए है, जिसके तहत उस सदस्य
कैसे आ पाती हैं आप यहाँ या नहीं कुछ कर पाती हैं, उनका काम करके हम आपके पास भेजते हैं कि आप जाओ यहाँ आपका फॉर्म जमा होगा। ये बताइए आपने 100 रुपए में बोला है मैडम, बताइए ना। अरे जी हम जब ऑनलाइन सब काम करेंगे तो जो बहने बाहर से 500 रुपए में करा रही हैं उनका काम हम 100 रुपए में करके देते हैं। और कोई बात नहीं है सर, कोई तो बात कर लीजिए, बात कर लीजिए ना सर। चाहिए सर हम आपका डिपार्टमेंट का नाम क्यों ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा काम है तो हम बच्चे आपका भेजेंगे ना लोगों को। मान लीजिए हमारा काम है, हम ऑनलाइन भर रहे हैं फॉर्म, तो सर हमें आपके पास ही भेजना है, मैं कहीं और नहीं भेज सकती उनको। और बोलिए आप ना, अगर हम ऑनलाइन काम करेंगे तो वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराना होगा तो वो आपके यहाँ जाएंगे ना मेरे प्यार पेशवन में। सर अगर आपको किसी ने ये बातें बोल दी बिना सोचे समझे कि ये संस्था गलत है, ये चीजें गलत है, तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं? सोच समझ के मैडम, सोच समझ के काम। सर बिल्कुल सोच समझ के मैं बात, सर आपका बिल्कुल नाम नहीं है यहाँ, वो सिर्फ एक मन, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको क्या बोल रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। बैठ के परसों का परसों आप नहीं मनोजी हाँ मनोजी ये क्या है? नहीं आपका कंसर्न नहीं है, कह रही है कि मेरी महिलाएं वहां जाती हैं, क्या बोलें कि मैंने कब आपको बोला है? ये मैंने कहा आपको जानकारी नहीं है, आपकी जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा कि ट्रेड यूनियन की पर्ची है। हां तो ट्रेड मैंने क्या बोला आपको, महिला ट्रेड यूनियन नहीं है, सामने यही कहा क्या बोला मैंने भाई को, मैं तो एक बार और आ रही हूं यही समझा रही हूं, आपने हमसे कहा ना कि हमारी महिलाएं वहाँ जाती हैं काम कराती हैं, हाँ जाती हैं। देखिए आपके सामने कह रही हैं हाँ जाती हैं, जाती हैं, जाती हैं। अरे ये दो बात हाँ मैं इनको अच्छे से बहुत बढ़िया ट्रेड यूनियन का मतलब है कि 10 रुपए लगने ही लगने हैं। पुराना है और क्या नाम, सरकारी संस्था नहीं है, एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल। संस्था तो बहुत पुरानी है, पुरानी है आज की नहीं, बहुत पुरानी है, 15 साल से है, 15 मैं बता रही हूँ, 15 साल 6-7 साल नई संस्था नहीं है कि कोई आपको बोल सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही कंफर्म करना था हमको, और ये मतलब जो है ना ये हमारे समझ में आई थी। सेकंडली क्या है कि इनकी एक इन्फॉर्मेशन और हमारे समझ में आई है कि इनका जो हेड ऑफिस पटेल नगर में है वहाँ पर कोई भी आदमी ना इनका नाम बता के राजी है ना इनका जो है मोबाइल नंबर दे के राजी है। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है आप तसल्ली से बैठिए, समझेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग ये बनाते हैं और हमारे आपके हेड ऑफिस में कोई आदमी आपका नाम कितने बार बोला कि हम मेंबरशिप यूनियन है और हम मेंबर का काम करते हैं, फिर हम वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कागज यहाँ सबमिट कर, जब मैसेज आता है सेकंडली आप डोर टू डोर क्यों जाते हैं? डोर टू डोर वही जो महिला यूनियन के 10 रुपए लेते हैं ना, अकेले नहीं जाती है, हम लेके जाते हैं, काम करती है, एक काम करती है, किसी ने बजाया नहीं, किसी ने बजाया नहीं, ऑनलाइन जुगाड़
बताइए आप सबूत हमें प्रॉपर जो है ना पब्लिक से इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम सभी लोग भाई सभी भाई मीडिया से ठीक है ना, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम इसलिए आए आपके पास। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी बहनों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं भी देखो यहाँ से हूँ, मैं छापा भी मारता हूँ। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा कानूनी काम करते नहीं आप छापा मार सकते, हमारे यहाँ पे गलत काम करते हैं, हम करते नहीं हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गलत कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे इस बारे में भाई साहब बहुत बड़े हो रही है, मैंने पैसे आप सुनना पड़ेगा, राशन वाले राशन बन नहीं रहे, राशन कार्ड बनवाए जाए। सुनिए सुनिए भैया, मैं आपको लिस्ट बना के पहनो खड़ा करके, एक राशन वाला मामला आपका सेटल करना है, राशन नहीं मिलता, आप ऐसा सेटल कर देंगे, आप याद रखोगे, हमें चिंता मत करो, ये हम चार से भी रख लेंगे, पहले झूठ लेने जाते हो, तीन दिनों चार बनाएंगे कहां पर है राशन का, राशन की प्रॉब्लम क्या है, बताओ राशन वाला ना राशन नहीं देता, बैठिए 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 बैठिए, कहां कहां पर आपका राशन, राशन कौन सी दुकान पे, कौन सी दुकान पे, इस एरिया में, इस एरिया में अपना आप हमारे इन भाई का अगर नाम ले लोगे ना, वो आपको रात को रात को 12 बजे उसके राशन देगा, सकल मत देखो, मैं सुमन मैडम से पहले मिल चुका हूँ, मेरा पेपर भी आ चुका है यहाँ पर, प्रथम झलक ऐसी बात नहीं है, जहाँ वीडियो बनाए ना आपके हाथ का राशन कार्ड का फॉर्म भरा हुआ, उसका राशन कार्ड बना तो वो हाँ नहीं भरी के हाँ मेरे यहाँ से हुआ, इतनी बदतमीज औरतें हैं, लेकिन मुद्दे उठा रहे हैं भाई साहब, सेटल करो मामला, कहानी खत्म करो, सुनिए 10 रुपए से ज्यादा तो देंगे नहीं है, आप लोग हमारा 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, अभी तो 100 रुपए में 100 रुपए ले लिए, 4 महीने मैंने 100 रुपए अब क्या करूँगा, मैंने 100 रुपए सही बात हमारी आपकी गलती है सर, आपकी भी गलती है, आपने अपना एड्रेस दिया, अपना लोगों को फ्री में मिलता है, तब नहीं आपका 10 रुपए लेने का 10 रुपए लेने की
गलत बात ठीक है। दो मुद्दा मैं आपको बता रही हूँ, एक राशन नहीं मिल रहा है नंबर को, अच्छा वो मुद्दा भाई आप लोग हमारा हेल्प हम लोग आप लोगों के भाई हैं, हम लोग आपके साथ।